अब आगे बात करते हैं न्यू रियलिज्म के बारे में। रियलिज्म समझे आपने, न्यू रियलिज्म कुछ ठीक उल्टी बात है। मतलब वहाँ पे बोला जा रहा था कि कोई वर्ल्ड सिस्टम नहीं है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर इंटरनेशनल रिलेशंस को इफेक्ट करता है, यही बोल रहे थे। हैंस मॉर्गन था, थुसीडाइड्स, मैकियावेली, ये सब लोग यही बोल रहे थे कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करता है। लेकिन 1945 के बाद, मतलब 1950 के बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, यूनाइटेड नेशंस बन गए, तब सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया। अब वर्ल्ड सिस्टम मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारे वैसे सार्क है ना, तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन और भी आने लगे जो कि एक रेगुलेट करने का काम करने लगे। मतलब पहले जो एकदम कुछ नहीं था उससे कुछ है। जैसे यूनाइटेड नेशन ऐसा नहीं है कि किसी देश को पनिशमेंट दे दे और उस देश को पनिशमेंट मानना ही पड़ेगा, लेकिन एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, लोग वॉलेंट्रीली मानते हैं, लोगों का मतलब राज्य वॉलेंट्रीली मानते हैं उनकी बातों को, ठीक। तो अब एक वर्ल्ड सिस्टम आया, थोड़ा सा पूरा सॉलिड रूप में नहीं जैसे हमारा गवर्नमेंट देश में होता है, उस रूप में नहीं वर्ल्ड में, लेकिन एक वर्ल्ड सिस्टम आया जो कि नहीं था, समथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो पहले कुछ भी नहीं था, तो अभी एक वर्ल्ड सिस्टम आया। तो न्यू रियलिज्म थ्योरी ये कहती है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ द स्टेट्स। मतलब जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम मतलब यूनाइटेड नेशंस है ना, और इसके जैसे जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रहे हैं, वो सब स्टेट्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं और लोगों को उनकी बात माननी पड़ती है। जैसे वो ब्लैक सी का झगड़ा हो, मतलब इंग्लैंड वाला, या भारत के कश्मीर का इशू है, हर मुद्दे को उठा के यूनाइटेड नेशन पहुँचा ही दिया जाता है। यहाँ पे बात विचार होता है और हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में आज ये हुआ, हम कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन में वो बिल पास हुई। तो ऐसे जो बहुत सारी हम बात कर रहे हैं, हमें ये कहीं ना कहीं पता है कि यूनाइटेड नेशन ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस ले नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो हमारे स्टेट्स को अफेक्ट करता है। और ये जो पहले अफेक्ट नहीं करता था उसको क्लासिकल रियलिज्म कहते हैं, और अब जो इंटरनेशनल सिस्टम कहीं ना कहीं स्टेट को अफेक्ट करता है, इसको न्यो रियलिज्म कहते हैं, नया यथार्थवाद। जैसे न्यो रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म, न्यो रियलिज्म का एक और नाम है स्ट्रक्चरल रियलिज्म, वॉज द फर्स्ट आउटलाइंड बाई द किंथ वर्ड्स इन 1979। ये जो न्यो रियलिज्म शब्द है, इसको कॉइन किया सबसे पहले किंथ वर्ड्स ने 1979 में। इन्होंने एक बुक लिखा, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और इन्होंने कहा कि पहले जो एनार्की थी, जो कोई भी नहीं था, मतलब कोई लॉ नहीं था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट लेसनेस, लेकिन अब कोई इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल ऑर्डर है जिसको मानना ही पड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं न्यो रियलिज्म। इन रियलिटी अभी तो है ना, मतलब ये यूनाइटेड नेशन तो है, इसलिए न्यू मीन्स न्यू रियलिज्म। और क्या कहा, दिस थ्योरी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द ग्रेट पावर्स। इस थ्योरी में ग्रेट पावर्स का पूरा वर्चस्व है। जैसे जो हम जैसे देश हैं, जो अभी डेवलपिंग देश हैं हम लोग, तो जब डेवलपिंग देशों का तो उतना पावर नहीं है। आप देखें जो इंटरनेशनल सिस्टम है, मतलब यूएनओ, वहाँ पे 5 परमानेंट देश हैं जिसमें इंडिया नहीं है, और बाकी जो 5 परमानेंट देश है वो ऑब्वियसली सी बात है पावर ग्रैब करने की कोशिश है, जो पहले भी था, लेकिन अब एक वर्ल्ड सिस्टम आया है जो गवर्नमेंट नहीं है लेकिन वर्ल्ड सिस्टम कहा जा सकते हैं। स्टेट्स आर ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट द बैलेंस ऑफ पावर। हर राज्य हमेशा कोशिश करता है कि पावर जो है वो बनी रहे। जैसे अभी जैसे ही हमें पता चला कि चाइना कहीं हो सकता है कि हमारे देश का जो हमारे देश में जो शेयर मार्केट है वो अभी डाउन चल रहा है, तो चाइना हो सकता है कि बहुत पैसा इन्वेस्ट करके और यहाँ के सारे शेयर्स खरीद ले बहुत सारे कंपनी के, तो आखिर एक तरीके से गुलामी हो जाएगी। जैसे ही हमें यह पता चला, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रूल पास किया कि आपको अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अगर पैसा लगाना है तो सरकार से होके गुजरना होगा, अगर सरकार मंजूरी देगी तो ही, और विथ कंडीशंस। तो आखिर सरकार बचाने की भी कोशिश
करती है। तो ये क्या है, बैलेंस ऑफ पावर। अगर मान लें ऐसा कोई रूल आया ही नहीं होता कि चाइना को यहाँ पैसा लगाने नहीं देंगे, तो चाइना हो सकता था कि यहाँ पे बहुत सारे कंपनी के शेयर खरीद लेता, फिर ये तो एक तरह की गुलामी ही हो जाती ना। तो इसीलिए ये बैलेंस ऑफ पावर, नियो रियलिज्म बैलेंस ऑफ पावर, यहाँ कोई एक तरफा शोषण नहीं होगा जैसे क्लासिकल रियलिज्म में चल रहा था, इसलिए इस यथार्थवाद का नाम है नियो रियलिज्म। आगे बोला, मतलब और एक इम्पॉर्टेंट बात है, स्ट्रक्चर कंपेल्स द स्टेट्स टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। ये जो यूनाइटेड नेशंस है, ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, ये बाध्य करता है कि एक राज्य को इसी रूप में चलना होगा। मतलब ये बाद में एक सोशल ऑर्डर आया, वर्ल्ड ऑर्डर में, वर्ल्ड सिस्टम ऑर्डर में एक कहीं ना कहीं पावरफुल कदम उठाया गया जो कि पहले नहीं था 1945 से, जिसको बनाने की कोशिश की गई थी लीग ऑफ नेशन के रूप में, लेकिन वो फेल रहा। लेकिन ये यूनाइटेड नेशन चल पड़ा और अच्छा चला, इसके कारण हमने इसको एक स्ट्रक्चर मान लिया और हर देश उसको ही अपना गवर्नमेंट मान के चलता है। लेकिन इस गवर्नमेंट, मतलब ये यूनाइटेड नेशन कुछ खास कड़े कदम उठा नहीं सकता। अब एक डिफिनीशन है, उसके साथ मैं खत्म करूंगा अपना। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लाइक ऑल पॉलिटिक्स, इज ए स्ट्रगल फॉर पावर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी क्या है, हर पॉलिटिक्स, जैसे भारत की राजनीति में किस बात की कॉम्पिटिशन चल रही है, पावर की, तो वैसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी पावर की ही रेस रहती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, वॉट एवर द अल्टीमेट एम ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पावर इज ऑलवेज द इमीडिएट एम। वो क्लासिकल रियलिज्म में कह लें या नियो रियलिज्म में कह लें, दोनों में अल्टीमेट एम, जो लास्ट एम है हर राज्य का, वो पावर है। जो लास्ट एम है वो पावर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।